अब सैलड्स यूजुअली बोरिंग हो सकते हैं, पर हम किस लिए हैं? हम हैं आपके लिए सैलड इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रिल्ड चिकन सैलड विद ताहिनी ड्रेसिंग। तो ये ग्रिल्ड चिकन सैलड विद ताहिनी ड्रेसिंग आएगा इंट्रो के बाद, बट इंट्रो से पहले आप सब सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। उसी के साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के यूजर नेम स्क्रीन पर दिख रहे हैं, प्लीज फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। करेंगे ना, सत श्री अकाल, क्या है आपके हाल। मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त, और इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए ग्रिल्ड चिकन, और ग्रिल्ड चिकन के लिए हमें करना है चिकन मैरिनेट। तो ये चिकन ब्रेस्ट, इसका हाफ करते हैं, बटरफ्लाई बनाएंगे और इसको मैरिनेट करेंगे। ये चिकन ब्रेस्ट का बटरफ्लाई बन गया है। अब इसको नाइफ की उल्टी साइड से फ्लैटन कर लेंगे। ये ऐसे फ्लैटन करने से जो चिकन ब्रेस्ट की कुकिंग है वो इवन होगी एंड चिकन मैरिनेट भी प्रॉपरली हो जाएगा। तो ये दो ब्रेस्ट को मैंने बटरफ्लाई कर लिया और इसको एक मिक्सिंग बाउल में डाल लेंगे और इसको करेंगे मैरिनेट। और मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले ऑयल थोड़ी ज्यादा मात्रा में जाएगा ताकि फ्लेवर सीप इन कर जाए। अब ये है ओरिगैनो डालेंगे। आप कोई और मसाला डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं, इंडियन बनाना चाहते हैं तो जीरा धनिया वगैरह डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं थोड़ा बाहर की टच दूंगा, थोड़ी कॉन्टिनेंटल टच दूंगा, और इसको फैट फ्री, मतलब सिर्फ ये जो ऑलिव ऑयल जा रहा है वो ही फैट है, उसके अलावा ज़्यादा कोई फैट नहीं है। तो ओरिगैनो सबसे पहले, साथ ही चिली फ्लेक्स, साथ ही जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब जिंजर गार्लिक पेस्ट के बाद थोड़ा सा विनेगर। विनेगर का जो एसिटिक एसिड है ये चिकन के प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा। एंड देन सॉल्ट, साथ ही ब्लैक पेपर पाउडर। अब चिकन को मैरिनेट कर लेंगे इन सब से। तो जी, ये चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब इसको मैरिनेट होने देना है कम से कम 15 से 20 मिनट। जब तक ये मैरिनेट हो रहा है तब तक हम सैलेड की तैयारी कर लेते हैं और मैं हाथ धो आता हूँ। और जब तक मैं हाथ धो के आ रहा हूँ तब तक आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें, ठीक है। अब सारी सब्जियों के जुलियान काटने आपने, ठीक है। तो ये सैलेड डन है। अब हम ड्रेसिंग बना लेते हैं फॉर द एक्चुअल सैलेड। ये सिर्फ सब्जियां काटी हैं, ड्रेसिंग बना लेते हैं। तो ड्रेसिंग के लिए ताहिनी तिल का पेस्ट होता है, अगर आपके पास नहीं है तो थोड़े से तिल लीजिए, उनको ड्राई रोस्ट कीजिए, उसके बाद उनको पीस लीजिए थोड़े से ऑयल के साथ, आपका ताहिनी पेस्ट बन जाएगा। आप डालना चाहें थोड़ा सॉल्ट डाल सकते हैं। ये जो मार्केट वाला ताहिनी होता है ना उसमें सॉल्ट पहले से ही होता है, तो इसीलिए हम सॉल्ट कम डालेंगे। अब इसमें डालेंगे गार्लिक, ये फाइनली चॉप्ड गार्लिक डाल लीजिए, जितना ज़्यादा गार्लिक उतना ज़्यादा स्वाद और उतना ही बढ़िया। उसी के साथ थोड़ा सा विनेगर, अगर आपके पास लेमन है तो लेमन डाल लीजिए, थोड़ा सॉल्ट। अब वैसे तो सॉल्ट है बट फिर भी हम थोड़ा सा डालें क्योंकि ये जाना सैलेड में, और सैलेड में जाने के बाद सॉल्ट कम लगेगा। साथ में थोड़ी ब्लैक पेपर, थोड़ा ओरिगैनो। अब इसको देंगे मिक्स। अब आप ये देखिए, ये ताहिनी थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है, जैसे आपने मिक्स करा वो ऑयल रस गया और ये गाढ़ा हो गया। अब इसको पतला करने के लिए थोड़ा सा पानी, तो ये हमारी ताहिनी ड्रेसिंग डन है। अब ड्रेसिंग ऐसे होनी चाहिए, देखिए ये ड्रॉपिंग है ना ऐसे टाइप में, ठीक है जी। अब चिकन भी मैरिनेट हो चुका है, सैलेड भी कट चुका है, ड्रेसिंग भी डन है, करना क्या है, अब चिकन ग्रिल करना है। तो चिकन ग्रिल करने के लिए एक पैन गर्म कर लेंगे। आप चाहें ग्रिल पैन पे कर सकते हैं, मेरे पास ग्रिल पैन है
बट मैं आपको एक नॉर्मल फ्राइंग पैन पे करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि फ्राइंग पैन पे भी हो सकता है। अब ये ब्रेस्ट मैरिनेट हो रखी है चिकन की और पैन है स्मोकिंग हॉट। स्मोकिंग हॉट होना चाहिए, अगर सिजल नहीं आएगी तो रंग नहीं आएगा, रंग नहीं आएगा तो स्वाद नहीं आएगा। तो ये रंग और स्वाद आने के बाद, गर्म होने के बाद, ऐसे अपने से दूर ले करें उसको, ठीक है जी। अब पैन में थोड़ा बटर डाल लेंगे इसको बास्ट करने के लिए ताकि हमारा चिकन ड्राई ना हो। चिकन को बार बार टर्न नहीं करना, एक ही बार टर्न करना और एक साइड लगभग 1.5 मिनट, 90 सेकंड बहुत है। अब ये जो चिकन है डन है, सैलेड असेंबल करते हैं। तो ये चिकन ब्रेस्ट ऑन टू दी प्लेट, ठीक है जी, ये दिल बन गया चिकन ब्रेस्ट का। अब सैलेड बना लेते हैं। तो सैलेड के लिए एक मिक्सिंग बाउल, उसमें सारी बेल पेपर्स, अनियंस। अब बेल पेपर्स और अनियंस के बाद लेटस, लेट्यूस। एक्चुअली ये मैंने आइसबर्ग लेट्यूस लिए, आप चाहें रोमन ले सकते हैं, आप चाहें नॉर्मल लेट्यूस ले सकते हैं, कोई मर्जी ले सकते हैं। ये लेटस डालने के बाद थोड़े हर्ब्स डाल लेते हैं, मिंट, मिंट के पूरे पूरे लीव्स डाल लेंगे और कोरिएंडर थोड़ा सा चॉप कर लेंगे। अब एंड में थोड़ी सी ड्रेसिंग, ड्रेसिंग ज़्यादा ना डालें, अगर आप ड्रेसिंग डालेंगे ज़्यादा तो आपके जो वेजिटेबल्स हैं वो सॉगी हो जाएंगे। अब इसको टॉस कर लेंगे, आप चाहें कुकुम्बर भी डाल सकते हैं इसमें, आप चाहें टोमेटो डाल सकते हैं, जो आपको पसंद वो डाल सकते हैं। ये सैलेड डन है, ग्रिल्ड चिकन ब्रेस्ट डन है और अब सैलेड प्लेट कर लेते हैं। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। प्रोटीन की कमी दूर करने के लिए आपके पेशे खिदमत है ये रेसिपी, और इससे आई एम 100% श्योर आपने जो पूरी वीक का प्रोटीन नहीं लिया वो एटलीस्ट पूरा हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी ट्राई कीजिए और उसके बाद फोटो इंस्टाग्राम पे हमें टैग करना मत भूलना, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, सत श्री अकाल, हैप्पी कुकिंग।